उत्तराखंड से आपको बता दें कि चंपावत में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद मिला। ओ पुष्करा, उत्तराखंड का जस भल हो उस करा चला, ऐसा बुजुर्ग महिला द्वारा उत्तराखंडी भाषा में बात बोली गई है। बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ है। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव लगातार जो मतदान प्रक्रिया है वो चल रही है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो पहले चरण में जो मतदान हुए पांचों लोकसभा सीट पर रुख कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और क्षेत्रों में जा जाकर भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम में जुट रहे हैं, साथ ही महिलाओं से बातचीत करते हुए इस तस्वीर के माध्यम से भी हमको नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है उत्तराखंड के चंपावत से, जहां चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद मिला है। बुजुर्ग महिला उनसे बोलती हुई नजर आई है, पुष्करा उत्तराखंड का जस भल हो उस करा चला, यानी कि उत्तराखंड का जो हिसाब से जिस लहजे से भला हो वैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो करते चले, उस रणनीति को भी यूं ही आगे बढ़ाया जाए। मनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ है और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनबसा पहुंचते हैं तो वहां की जनता, वहां की महिलाएं किस तरह से उत्साहित और उत्सुक नजर आती है। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनबसा पहुंचे और महिलाओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां की स्थानीय प्रजा द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। और देखिए ये जनसलाब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं, स्पेशली जो महिलाएं हैं, माता है, बहनें हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आई है और पहाड़ी भाषा में उनसे बातचीत करती हुई नजर आई। और साथ ही ये भी उनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बोला गया है कि जिस तरीके से उत्तराखंड का विकास हो रहा है वैसे ही आप यूं ही करते रहिए।